तो रिसेंटली जियो ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है जो कि है जियो टैग। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो आप अपने कीज, वॉलेट या किसी भी तरह की चीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं और उसे अपने फ़ोन से ढूंढ सकते हैं। तो ऑलरेडी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। एप्पल का एयर टैग है जो काफ़ी पॉपुलर है। टाइल एक कंपनी है जो इंडिया में डायरेक्टली नहीं सेल करती है पर US में काफ़ी पॉपुलर है। एंड जितना मैंने सुना है गूगल भी अपना एक एयर टैग के सिमिलर कॉम्पिटिशन निकाल रही है। फ़र्क ये है कि जो जियो टैग है वो सिर्फ 750 रुपीज़ का है, तो काफ़ी चीप है कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। आज हम क्या करेंगे, हमारे पास जियो टैग है, एक टाइल है और एक एप्पल का एयर टैग है। तीनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, कौन सा एयर टैग या कौन सा ट्रैकिंग डिवाइस आपके लिए सही रहेगा। और ये भी जानेंगे ये जो नया 750 रुपीज़ का जियो टैग आता है इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है और क्या क्या है इसके फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग से। ऑल्दो मैंने ये बॉक्स एक बार खोल लिया है तो एक तरह से अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं कहूँगा मैं इसे, पर ये इसका बॉक्स है जो आया है आज ही कुरियर से। जैसे मैंने बताया 750 रुपीज़ का है। इसके अंदर आपको मिलता है ये जियो टैग। सबसे अच्छी बात है इसके साथ ये छोटी सी तार अटैच आती है, लैनयार्ड बोल दीजिए इस तरह से। और अंदर आपको मिलते हैं क्विक इंस्टॉलेशन गाइड्स के 2 डॉक्यूमेंट्स, साथ में मिलता है एक सेल। तो अच्छी बात यह है कि कौन सा सेल लगता है इसमें, 3 वोल्ट का सेल लगता है, शायद 2032 है ये। अच्छी बात यह है कि इसका सेल रिप्लेसेबल है, जब इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप एक नया सेल लगा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जियो का अपना प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। इसके बॉक्स के पीछे क्लियरली लिखा है कि चाइना में मैन्युफैक्चर्ड है बीजिंग ज़ीज़ाई टेक्नोलॉजी के थ्रू, और ये इंपोर्ट हुआ था 2021 में, विच इज़ रियली सरप्राइजिंग क्योंकि 2023 चल रहा है और अभी जियो ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो 2 साल से अगर जियो ने ये इंपोर्ट करके रखा है तो आई डोंट नो क्या कर रहे थे। ये है जियो टैग। अब एक गलतफहमी जो लोगों को होती है वो ये है कि इसमें GPS है। ये GPS के थ्रू नहीं चलता है। द वे इट वर्क्स इज ये आपके फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और ब्लूटूथ के थ्रू ही ये कम्युनिकेट करता है। लो एनर्जी ब्लूटूथ होता है तो इसकी जो बैटरी है टिपिकली 1.5 साल चल जाती है। और जब भी द वे इट वर्क्स इज कि अगर मान लीजिए आपने इसको अपनी कीज़ के साथ अटैच किया और अपनी कीज़ गुम की है तो आपको फ़ोन से बस रिंग करना है एंड अपने आप इसमें बेल बजने लग जाएगी। या लोकेशन अगर आसपास होगी इसकी जियो टैग की आपके फ़ोन के आसपास तो ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड होगा तो ये बता देगा कि जो आपकी चीज़ है जो आपके जियो टैग से कनेक्टेड है वो विसिनिटी में है। तो GPS से नहीं चलता है ये। मान लीजिए कि अगर आपने इसे हाइपोथेटिकली अपनी कीज़ के साथ डाला और आपकी कीज़ चोरी हो गई है तो वहाँ पे ये आपको आपकी कीज़ नहीं ढूंढ पाएगा। ऑल दो इसका भी एक इकोसिस्टम है होता है जो मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी लेट इन द वीडियो, बट ये मान के चलिए कि अगर आप कोई चीज़ अपने घर में ही गुम कर दें या पेरीफेरी में गुम कर दें जहाँ पे चोरी नहीं हुई है तो जियो टैग मेक्स इट रियली ईजी टू फाइंड दैट थिंग विद योर फोन। अच्छी बात यह है कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ चलता है। टाइल जो कि दूसरा ट्रैकिंग डिवाइस है ये भी एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ कंपैटिबल है, जबकि जो एयर टैग है ये सिर्फ अंडरस्टैंडेबली iOS और Apple डिवाइसेस के साथ ही चलता है। तो चलिए कंपेयर करते हैं तीनों के फीचर्स और देखते हैं कि क्या क्या ऑफर होता है तीनों में। तो अगर आप तीनों डिवाइसेस को कंपेयर करें, सबसे पहले है ये जियो टैग, छोटू सा ही है अगर साइज कंपैरिजन देखना चाहें आप, तो सबसे छोटा है एयर टैग जो कि गोल है और सबसे छोटा है साइज में, जो थोड़ा ही बड़ा है जियो टैग और सबसे बड़ा है टैग। बट अगर मैं इनकी थिकनेस प्रोफाइल को देखूं तो सबसे मेरे ख्याल से जो ब्रॉड है या सबसे ज़्यादा जो मोटा है वो एयर टैग है, उसके बाद जियो टैग है और टाइल सबसे स्लिम है। अगेन जैसे मैंने बताया इसमें 2 वर्जन आते हैं, ये स्लिम वाला वर्जन है, दूसरा वर्जन भी आता है। इसके ओवरऑल में बात करूँ इसमें एक लैनयार्ड है, यहाँ पर एक बटन है जो आप दबा सकते हैं अपना फ़ोन ढूंढने के लिए, और जैसा आपने देखा मैंने दबाया तो फ़ोन बजने लग गया। अच्छी बात यह है कि लैनयार्ड है तो आप सीधे ही इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी कीज़ वगैरह के साथ, और ये खुलता भी है जब बैटरी रिप्लेस करनी हो। मैंने अभी तक फिगर आउट नहीं किया है कैसे खोलना, और मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता हूँ गिवन दैट पहली बैटरी इसमें इंस्टॉल्ड आती है। बट ये है तीनों डिवाइसेज अगर मैं इनका साइज़ कंपेयर करूँ, बहुत ही छोटे हैं। अगर आप एक आईफोन के साथ देखें तो बहुत ही ज़रा सी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, इनफैक्ट तीनों ही मेरी स्क्रीन में आ गए, इससे पता चलता है ये कितने छोटे और ईजी है स्टोर करना। तो
अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जियो टैग की, ये मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। जियो थिंग्स नाम की ऐप है जो आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है, और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ अपने फ़ोन स्क्रीन की ताकि पता चले कि कैसे काम करता है ये। तो जियो थिंग्स मैंने डाउनलोड की है, मान लीजिए ये टैग मुझसे गुम हो गया है तो मैंने बस जियो टैग यहाँ पर क्लिक करना है और रिंग टू फाइंड करना है और इसकी बेल बजने लग जाती है। ये अगर कहीं विसिनिटी में होगा तो मुझे पता चल जाएगी वो चीज़ कहाँ रखी है थ्रू द साउंड। दिया तो भाई आई कैन ट्रैक इट इज थ्रू लोकेशन, जैसे अभी दिखा सकता है कि मेरी लोकेशन यहाँ पे मेरे घर पे है, तो ये लास्ट नोन लोकेशन भी आपकी ट्रैक करता है। जैसे मैंने बताया ये लास्ट नोन लोकेशन तभी चलेगी अगर आपका फ़ोन उस टाइम विसिनिटी में हो, अगर मान लीजिए चोरी होकर कहीं और चला गया तो ये लास्ट नोन लोकेशन वो ही होगी जब आपके ये फ़ोन के कॉन्टैक्ट में था या कनेक्टेड था। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर आपका फ़ोन गुम हो गया और आपको आपका जियो टैग मिल रहा है तो यहाँ से आप बस डबल टैप कीजिए और आपके फ़ोन पे भी बेल बजने लग जाएगी, तो आपका फ़ोन ढूंढना काफ़ी आसान कर देता है। अच्छी बात ये है कि अगर आपका फ़ोन साइलेंट पे भी हो, जैसे मैंने अभी रखा है, तो भी अगर आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे आपका फ़ोन पे बजर बजेगा। तो अगला हमारे पास है टाइल, ये भी सिमिलर तरह के ट्रैकिंग डिवाइस है और इसमें भी सेम ही फीचर्स हैं। जैसे अगर मैं अपने फ़ोन पर जाऊँ और टाइल की ऐप खोलूँ तो मैं ढूंढ सकता हूँ कि मैंने आखिरी इस बार कहाँ रखी थी टाइल। ये इसके दो वर्जन आते हैं, एक वर्जन होता है जो रेगुलर जियो टैग की तरह दिखता है, थोड़ा सा थिक होता है, उसमें अलार्म भी बजता है। ये अल्ट्रा स्लिम वर्जन आता है इसका जो आप वॉलेट में डाल सकते हैं, इसमें बजर नहीं बजता है। तो ये बस आप अगर अपने फ़ोन में ढूंढें तो ये आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके लोकेशन बता देता है, जब बहुत पास हो तो सिग्नल स्ट्रेंथ वेरी स्ट्रॉन्ग आती है, मतलब कहीं आसपास ही है, जब थोड़ा सा दूर होता है तो मीडियम या वीक होती है, उस तरह आप इस टाइल को लोकेट कर सकते हैं। इसमें भी टू वे फंक्शन है, अगर मैं यहां से प्रेस करूं इसे, इसके जो स्क्रीन पे ये है, डबल टैप करने पे मेरा फ़ोन बजने लग जाता है, और इसमें भी अगर साइलेंट पे हो फ़ोन तो भी बजता है, तो ये दोनों की अच्छी बात है। अब तीसरी चीज़ है हमारे पास जो सबसे महंगी भी चीज़ है, ये है एप्पल का एयर टैग। ये सिर्फ एप्पल के फ़ोन्स पे चलता है जैसे मैंने बताया। अच्छी चीज़ इसकी ये है कि इसकी बैटरी भी रिप्लेसेबल है, तो इसमें भी शायद 2032 सेल ही डलता है, लगभग सिमिलर बैटरी लाइफ है, और ये भी सेम ही प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है आपके डिवाइस से। एक चीज़ जो इसमें मिसिंग है जो बाकी दोनों में है वो है टू वे कनेक्शन। तो मैं अपने फ़ोन से अपना एप्पल टैग तो ढूंढ सकता हूँ, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस में जाके प्ले साउंड करूँ तो इसमें भी बजर बजता है, पर मान लीजिए अगर मैंने अपना फ़ोन गुम कर दिया है और मैं एयरटैग के थ्रू अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो टू वे कम्युनिकेशन इसमें नहीं होती है, ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, और ऑब्वियसली अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो ये कंपैटिबल नहीं है, ये सिर्फ आईफोन या आईओएस डिवाइसेस पे चलता है। चलिए अब अगर हम तीनों को कंपेयर करें, हमने फीचर्स तो देख लिए और समझे कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम एयरटैग की बात करें तो इसकी सबसे पहली बड़ी स्ट्रेंथ है कि पूरे एप्पल इकोसिस्टम से कनेक्टेड है। मान लीजिए आपका एयरटैग कहीं बहुत दूर है, आपके फ़ोन की कॉन्टैक्ट रेंज में नहीं है, पर अगर उस विसिनिटी में कोई और आईफोन है तो व्हाट दिस एयरटैग डज इज इट कनेक्ट्स विद दैट आईफोन, और ये जो एप्पल का यू नो सर्वर है वहाँ पे अपनी लोकेशन, लास्ट लोकेशन रजिस्टर करवा देता है। तो मान लीजिए अगर मैं शिमला में बैठा हूँ और मेरा एयरटैग जो कि मान लीजिए मेरी गाड़ी में था और चोरी हो गया है, और वो कोई दिल्ली में एयरटैग के पास आईफोन लेके जा रहा है, तो वो सिग्नल आईफोन से, चाहे उसने वो ऐप डाली हो या ना डाली हो, फाइंड माई डिवाइस सभी आईफोन्स में होती है, तो अपने आप ही वो लोकेशन उसे ट्रांसमिट कर देगा, अनलेस किसी ने एक्सप्लिसिटली ऑप्ट आउट किया हो, जो कि बहुत कम लोगों ने किया होता है, और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एयरटैग कहाँ पे है। तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि इतने ज़्यादा आईओएस डिवाइसेस हैं दुनिया में कि ये किसी ना किसी से कम्युनिकेट करके आपको हमेशा लास्ट नोन लोकेशन बता देगा, जो कि बाकी दो डिवाइसेस उस हद तक नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया बैटरी रिप्लेसेबल है, तो ये एक और अच्छी बात है। जो एक चीज़ ख़राब लगती है मुझे इसकी, वो ये है कि ये बहुत ही महंगा है, लगभग 3500 के आसपास, शायद जितना मुझे याद है 3000 से 3500 के बीच है ये, जो कि काफ़ी महंगा है बाकी दोनों ऑप्शन से। दूसरा है टाइल, ये भी सिमिलर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, सारे सिमिलर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इवन यहाँ पे अगर जो टाइल इको सिस्टम में फ़ोन है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, अगर आपको मान लीजिए टाइल वाली चीज़ गुम हो जाती है
और किसी और इंसान के पास टाइल ऐप है अपने फ़ोन में, तो ये भी जैसे मैंने बताया एप्पल कम्युनिकेट करता है, वैसे ही टाइल भी कम्युनिकेट कर सकती है। पर गिवन दैट एटलीस्ट इंडिया में इसकी अडॉप्शन इतनी कम है, तो ये आप एक तरह से मान लीजिए अगर चोरी हो गया है आपकी चीज़ जिस पर आपने टाइल लगाई है, तो ऑलमोस्ट आप उसे गुम मान के चल सकते हैं क्योंकि इसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़राब बात यह है कि एटलीस्ट जो वर्जन मेरे पास है इसकी बैटरी रिप्लेसेबल नहीं है, तो 1-1.5 साल बाद ये नल होने वाला है और इसे मुझे डिस्पोज ऑफ ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका और कोई काम नहीं रहने वाला है। तीसरा हमारे पास है जियो एयर टैग। अच्छी चीज़ ये है कि इसकी बैटरी रिप्लेसेबल है। अभी जो नेटवर्क है जियो का, जियो थिंग्स आपके फ़ोन में ऐप होनी चाहिए अगर आप जैसे मैंने अभी एप्पल और टाइल के लिए समझाया, अगर आपकी चीज़ गुम हो गई और आप होप कर रहे हैं कि वो मिल जाए, उसके लिए आसपास जो इसके फ़ोन है उसमें जियो थिंग्स नाम की ऐप होनी चाहिए, जो कि अगेन जस्ट वी स्टार्टिंग विद द इकोसिस्टम तो शायद ना हो। तो लोकल चीज़ों के लिए तो बहुत सही है, पर अगर आप उम्मीद करें कि आप जियो टैग से कोई चीज़ जो चोरी हो गई है वो ढूंढ पाएंगे, उसके चांसेस अभी स्लिम है। शायद जैसे इकोसिस्टम बढ़े वी माइट सी ग्रेटर ऑप्शन और तब ये चीज़ पॉसिबल हो जाए, पर उस केस में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो एयर टैग ही है। तो ऑल इन ऑल ये थी मेरी असेसमेंट इन तीनों डिवाइसेस की। अगर आप अपनी कीज़ या वॉलेट बहुत गुम करते हो तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप इनमें से एक चीज़ ले रखिए क्योंकि ये काम आती है। एयर टैग में स्पेसिफिकली अपनी गाड़ी और बाइक में भी रखता हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया एक्सटेंसिव नेटवर्क की वजह से कल को कभी टचवुड अगर चोरी हो जाए ये चीज़ें तो ट्रैक करना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, जियो टैग की एक और अच्छी बात है कि इसमें लैंडयार्ड फ्री आता है साथ में। अगर आप एयर टैग देखें तो इसके जो लैंडयार्ड या ऐसे कवर्स हैं जिसमें लैंडयार्ड हो वो ही काफ़ी महंगे होते हैं मेरे ख्याल से। जियो के जो टैग है उससे महंगा उनका सिर्फ लैंडयार्ड और कवर का कॉस्ट होगा, तो ये एक और अच्छी चीज़ है जो जियो टैग में होती है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।